हम लोग वार्डन को खत्म करने वाले हैं। Hey followers, welcome back to Minecraft। आज हमारे सर्वाइवल वर्ल्ड का लास्ट सुहाना दिन निकला है। तो as you can see, मेरे पास बहुत ही सारी बुक्स हैं मेरी इन्वेंट्री में और ये बहुत ही ओवरपावर्ड बुक्स हैं। शार्पनेस 5, इन्फिनिटी, एफिशिएंसी 5 एंड पावर 5। तो ऑफ कैमरा मैंने कुछ लाइब्रेरियंस तैयार किए, ये बुक्स मेरे को चाहिए वार्डन को डिफीट करने के लिए। तो व्हाट इज डूइंग, तेरे लिए बेड की कमी पड़ रही है ब्रदर। पड़े हैं वहां पे, अच्छा सारे फुल है भाई। ये रहा, मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ। तुम लाइब्रेरियंस ने मेरी बहुत हेल्प करी है, ये लो भाई। देखा सितारे चमक गए। ओके सो ये कुछ लाइब्रेरियंस मैंने तैयार किए थे, मेरे को इन्फिनिटी मिल गई इससे। एंड ये है अपना बंदा पावर 5 वाला, ये शार्पनेस 5 एंड देन ये होगा एफिशिएंसी 5। एफिशिएंसी 5 की मेरे को जरूरत नहीं थी, लेकिन बाकी बुक्स ढूंढते हुए मेरे को मिल गई थी ये, तो मुझे लगा व्हाई नॉट, इवन दो जरूरत भी नहीं है हमें एफिशिएंसी 5 की। सबसे पहले अपनी एलाइट्रास को लाइक रिपेयर करते हैं। आई एम श्योर जो एंड गार्डन क्या होता है, वार्डन है जो, वो उसको डिफीट करने के बहुत सारे लाइक तरीके होंगे, इजी तरीके भी होंगे, चीज भी होंगे कई सारे, बट मैं वार्डन को अपने हिसाब से डिफीट करना चाहता था। मेरे पास एक प्लान है जो कि बहुत टाइम से मेरे माइंड में है और मैंने सोचा हुआ था जब भी वार्डन से लड़ूंगा यही वाला प्लान एग्जीक्यूट करूंगा, तो हम वही करने वाले हैं। तो मेरे पास है बहुत सारे आयरन, बहुत सारे स्टिक्स। हेलो नया फार्मर है ये, तेरी जरूरत नहीं है, वो कहाँ गया मेरा। ये रहा स्टिक्स, ये हो ही गई है ऑलमोस्ट। ऑलराइट, एलाइट्रा फुली रिपेयर हो गई। मेरे को वैसे तो आर्मर भी बढ़िया चाहिए, पर यू नो व्हाट, इट्स ओके। मुझे एक न्यू सॉर्ट चाहिए होगी, एफिशिएंसी 2 लगी है इस पे। ये क्या तरीका है सोने का, हेलो ब्रदर, पलंग पे सो भाई। मुझे चाहिए ये, थैंक यू। पता नहीं शार्पनेस 2 है तो मेरे को पहले इसे डिसएंचेंट करना पड़ेगा शायद। ग्राइंडस्टोन रखा है मेरे पास, आई थिंक इसी की जरूरत पड़ती है। सो ऐसे, या तेरे पास भी बेड नहीं है ब्रदर, ये ले। हमारे पास दो एंचेंटेड गोल्डन एप्पल हैं, ये मैं दोनों लेके जाने वाला हूँ क्योंकि ये फाइनल फाइट होगी हमारी, तो सब कुछ चाहिए मुझे। एंचेंट कर लेते हैं इनको अब, शार्पनेस 5। यस, मुझे बनानी पड़ेगी एक बो, अनब्रेकिंग 3 भी है मेरे पास तो बढ़िया। बो के लिए स्टिक्स एंड स्ट्रिंग्स दोनों ही है मेरे पास आई थिंक, बहुत स्ट्रिंग्स पड़ी हैं। फ्रेश बो, और इस पे हम लगा देते हैं इन्फिनिटी। वार्डन स्लेयर, नहीं स्लेयर तो एम एट वार्डन। मेरे को चाहिए अनब्रेकिंग 3 जो कि हमारे पास है। ओके इन्फिनिटी तैयार हो गई। मेरे को चाहिए स्विफ्ट स्नीक 3 जो कि मेरे पास है, आई एम प्रीटी श्योर मैं लेके आया था लास्ट टाइम। नहीं, स्विफ्ट स्नीक 3 के साथ मर गया था मैं, मेरे पास 2 है सिर्फ। आई मीन समथिंग इज बेटर देन नथिंग, स्विफ्ट स्नीक 2 ये लगाना पड़ेगा मुझे, नए पैर ले आता हूँ मैं। द बेड इज ऑक्यूपाइड ब्रो, वॉट, पहली बार लिखा आ रहा है द बेड इज ऑक्यूपाइड, इसको उठा ही नहीं पा रहा मैं, सो जाते हैं हम भी। पैर चाहिए मुझे, थैंक यू। हेलमेट की भी ऐसे सी हो ही रखी है, ले लेते हैं इसे भी। अब इस पे लगेगा हमारा स्विफ्ट स्नीक। हाँ पैरों पे नहीं लगता ये, तो किस पे लगेगा फिर, सोल स्पीड, फ्रॉस्ट वॉकर या डेप्थ स्ट्राइडर, इनमें से कुछ है मेरे पास नहीं। अब तो कर्स ऑफ वैनिशिंग, ये प्रोटेक्शन 4 वाला है, आई मीन वैनिशिंग तो नहीं चाहिए मेरे को, मरने वाला हूँ मैं वहाँ जाके पक्का। बड़ी बेकार बात है यार, हम लगा नहीं सकते। मुझे पोशन ऑफ स्ट्रेंथ भी बनाने पड़ेंगे थोड़े से, बस वाटर बॉटल्स पड़ी हैं। ओके हम स्विफ्ट स्नीक नहीं लेके जा रहे, सिर्फ ये लगा लेता हूँ मैं। ओ यार पावर 5 भी तो लगानी है मेरे को इन्फिनिटी पे, मजा तो तभी आएगा। एफिशिएंसी 5 रख दे, मुझे जरूरत भी नहीं है सही में, मैंने पता नहीं क्यों ले ली वो। मुझे बनाने पड़ेंगे स्ट्रेंथ पोशन, तो ये लगाते हैं एंड ये, इससे स्ट्रेंथ 1 बनेगा। हम फिर ग्लो डस्ट यूज करके स्ट्रेंथ 2 बना सकते हैं जो कि मेरे पास है, बहुत बढ़िया। What? Mundane potion बना इससे तो? Huh? पहले awkward potion बनाना था मुझे, मैंने गड़बड़ कर दी। ये mundane potion तो इतने सारे बने रखे हैं और मेरे पास ये mundane potions बना रखे हैं मैंने बहुत सारे, बताओ यार। I don't even know इससे होता क्या है? Okay, कुछ भी नहीं, बहुत बढ़िया। So इस बार हम गलती नहीं करेंगे, हमें सबसे पहले बनाना है awkward potion जिसके लिए हमें चाहिए nether wart। अभी हमें blaze powder चाहिए होगा जो कि शायद मेरे पास नहीं। ओह
थैंक गॉड। ब्लेज पाउडर एंड देन हम ग्लोस्टोन डस्ट डालेंगे। मैं एक्चुअली रेडस्टोन भी डाल के देखता हूँ, हो सकता है हम टाइम बढ़ा सकें इसका। ओके 3 मिनट्स इसे डालते हैं। स्ट्रेंथ 2 बनेगा, स्ट्रेंथ 2 डेढ़ मिनट का ये डालते। ओह कम ऑन, सिर्फ डेढ़ मिनट। स्प्लैश बना लेते हैं इन्हें, आई मीन दबा के बजाने हैं बस उसमें। ये एनचेंटेड एप्पल खा के पोशन पी के, ओ या उस पे हम स्प्लैश पोशन ऑफ वीकनेस भी डाल देंगे, ये बढ़िया रहेगा, ये ले चाहता हूँ। नाइट विजन पोशन भी है, ये भी सही है, डार्कनेस से बचने में काम आएगा। स्प्लैश, ऑल राइट। अभी मुझे चाहिए थोड़ा सा गन पाउडर एंड थोड़ी सी सैंड टीएनटी बनाने के लिए। 25 टीएनटी मोर देन इनफ, बढ़िया। यू नो वॉट, इस एफिशिएंसी 5 को यूज कर ही लेते हैं, क्योंकि पड़े पड़े क्या करेगी ये बात, तो वो है ना सारी। ओ वाह बढ़िया, है ही नहीं मेरे पास। मेरे पास थोड़ी टोटम ऑफ अंडाइंग होती ना और मजा आ जाता। जा रहे हैं हम वार्डन के पास, आई थिंक मैं तैयार हूँ लड़ने के लिए उससे। सो ये है हमारा टावर दूसरा वाला, ये मुझे डायरेक्ट वार्डन के एरिया में लेके जाएगा। जब तुम्हें पता हो रास्ता कहाँ जाने वाला है, तुम सबसे डेंजरस काम कर सकते हो माइनक्राफ्ट में, डिगिंग डाउन। ये पहुंच गए हम लोग, मेरा बेड लगा ही हुआ है यहाँ पे, बढ़िया। ओ भरा पड़ा ये तो। ओके मेरे को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे सब कुछ, एंड उसके बाद हम वहाँ जाके टीएनटी वगैरह सेट करेंगे जैसा मेरे माइंड में प्लान है। लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। ओके वी आर बैक। अभी मैं सबसे पहले तो अपना ट्रैप जो है प्रिपेयर करने वाला हूँ, जो कि मेरे माइंड में है, एंड लेट्स सी कैसा वर्क करने वाला है वो। आई एम नॉट श्योर कैसा जाने वाला है ये पूरा मैच, पर देखते हैं। तो मैं मोस्टली जो वो स्पॉनर्स होते हैं वार्डन के, उनको मैं ऑलरेडी लाइक तोड़ चुका हूँ। एक दो स्पॉनर बचा है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मेरे को टूल्स लाने पड़ेंगे, मैं क्या सब कुछ वहीं रख दिया। सो हम लोग बिल्कुल वैसा ही ट्रैप बनाने वाले हैं जो यूजुअली हमें सैंड टेंपल्स में देखने को मिलता है, प्रेशर प्लेट्स और टीएनटी के साथ। मैं पहले उसे टीएनटी से डैमेज करूंगा एंड देन हम लोग फाइट में घुसेंगे। हमारे पास पोशंस तो बहुत सारे हैं, बट स्टिल उसे डैमेज पहले कर दें तो ज्यादा अच्छा है। लेट्स जस्ट होप कि मैं ट्रैप अच्छी तरह बिछा दूं, कहीं ट्रैप बिछाते बिछाते मैं एक्सप्लोड हो जाऊं। सो मुझे 2 ब्लॉक नीचे जाना पड़ेगा एंड देन यहाँ पे हम लोग लगाएंगे अपनी टीएनटी। इसके बाद यहाँ पे ये, मैं ये कलर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि मेरे को पता रहे मेरी टीएनटी रखी कहाँ पे है। एंड देन हम लोग लगा देंगे प्रेशर प्लेट यहाँ पे, एंड आई थिंक ये होना चाहिए, ये काम करना चाहिए। एक्चुअली मैं यहाँ पे भी थोड़ी सी ना टीएनटी रख देता हूँ। That's it. अब उसे जगा के बस उसे अट्रैक्ट करना है हमें। मैं जरा अपने टूल्स ले आऊं बाकी के सारे। कोई आइडिया नहीं है ये फाइट कैसे जाने वाली है, बट लेट्स होप सब कुछ ठीक रहे। हम लोग तैयार हैं बेटा। नर्वस हूं मैं थोड़ा सा। मुझे ये सब फेंक देना चाहिए, क्योंकि अगर बाई चांस मैं मरता हूँ तो ये सब मेरी इन्वेंट्री में दोबारा आ जाएगा। आई एम टोटली एक्सपेक्टिंग कि मैं एक बार तो मरूंगा, मैं पूरा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो चीज़, बट देखते हैं कितना डैमेज कर पाएंगे उसे हम, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए रहता है यहाँ पे, वो ऐसा नहीं है ज़मीन में चला जाएगा। सो सबसे पहले तो नाइट विजन चांदना करने के लिए, देन ये वीकनेस है, रीजनरेशन एंड पोशन ऑफ स्ट्रेंथ। ओके उसे जगाते हैं पहले। डार्कनेस के ऊपर तो नाइट विजन लाइक ओवरलैप कर जा रहा है, डार्कनेस ओवरलैप कर जा रहा है, जैसा मैंने बोला था ऐसा ही होगा। मुझे पता था इतना इजी नहीं होने वाला। कम ऑन, यप हमें बस उसे यहाँ अट्रैक्ट करना है। यस क्लोज, वेट कुछ हुआ ही नहीं। ओहो हुआ भाई, मेरे को लगा ना स्ट्रेंथ मिला ना। लेट्स गो। What? उसने वन शॉट मार दिया मुझे। मे बी नेदरराइट चाहिए। ओह यार मेरे को ना अपनी बो यूज करनी चाहिए थी स्टार्टिंग में। वॉट एम आई डूइंग, मुझे मेरा सामान चाहिए पहले। ओके ओह गॉड, मैं अपने स्पॉन की तरफ भाग रहा हूँ। ओह शिट, ओके इट्स ओके मैं दोबारा जा रहा हूँ, मेरे को वीकनेस लगाना पड़ेगा उस पर दोबारा। ओ गॉड नो। ओके वीकनेस लगा उस पर आई थिंक। नो मेरे पास एरो नहीं है, मेरी एरो कहाँ है? नो
ओके, प्लान फेल हो रहा है मेरा। शिट, मैं रीजनरेशन पी के जा रहा हूँ। गड़बड़ गड़बड़ बैड, मेरे को अपना दूसरा मामला पानी लाना पड़ेगा। मेरा बाकी का सामान कहाँ चला गया? ओह शिट, ओह कम ऑन। TNTs ने उसे डैमेज तो बहुत करा है, बट मुझे सामान तो चाहिए अपना। नहीं, डोंट डू इट। ओह गॉड, डैमेज। ओह शिट, शार्पनेस का तो यूज ही नहीं कर पा रहा मैं। मेरी सॉर्ड पता नहीं वहीं पे ही है वो, पर मिल ही नहीं रही, दिख ही नहीं रही। मुझे जल्दी से अपना सामान लाना पड़ेगा दोबारा। कम ऑन, कितना टाइम लगाया मरने में तू? बहुत हेल्थ है भाई, TNT से फोड़ा था मैंने तेरे को, याद है तेरे को? ओह गॉड, वापस जा रहा हूँ। ओह नो, शिट, नाइट विजन पी रहा हूँ मैं ताकि अपना सॉर्ड ढूंढ सकूँ मैं। ओके, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि TNT से उसे बहुत मैसिव डैमेज होगा एंड मैं उसे फिर इजीली मार दूंगा, बट आई गेस ऐसा नहीं हुआ। मुझे मेरा सामान ढूंढना पड़ेगा, वो दूसरे वाला। यस यस, सॉर्ड मेरी। ओके नाइस, ओह फक यू, मुझे आर्मर चाहिए मेरा। वाओ या, विदाउट आर्मर कैसे ही फाइट होगी उससे? वो इस पे मुझे नहीं सुन सकता, तो मैंने इसीलिए यहीं पे फाइट ली उससे। मेरे को बस सामान लाना है अपना। यस वेरी नाइस, ओके, डार्कनेस दे दिया उसने, इट्स ओके। मैं यहाँ से, यस आ रहा है वो। ओह व्हाट, मुझे फंसना पड़ेगा दीवारों में यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं इसे पानी में ना फंसा दूं? यस, ये अच्छा है। नहीं, ये अच्छा नहीं है। व्हाट, वो पानी में क्यों नहीं फंसा? ओ यार, उसे ना ऐसे ही फंसाना पड़ेगा, लावा पानी वगैरह में ले जाके कहीं। मेरा सामान नहीं, पानी में आवाज़ होगी। शिट, लेट मी गो प्लीज। एरो, एरो लेना ज़रूरी है। ओ गॉड, व्हाट द फक, इसे कैसे पता? ओके, मुझे ये बंदा काफ़ी ईजी लग रहा था, इतना ईजी नहीं है ये। हाँ? मर गया वो। स्कल्क कैटलिस्ट देता है बस ये, कोई अचीवमेंट नहीं, सीक्रेट। हेलो, मैं कितनी बार मरा? 6-7 बार। ओ हेलो भाई, कोई अचीवमेंट क्यों नहीं है? अबे यार, कोई सीक्रेट इसकी अचीवमेंट तो होनी चाहिए यार, खुशी कैसे होगी तुमने वार्डन को मारा है। ला भाई, ये गलत बात है यार, ऑनेस्टली अचीवमेंट तो होनी चाहिए थी इस चीज की। वार्डन जैसे इतने खतरनाक बंदे से मर मर के मारा है उसे मैंने, ये बंदा दोबारा क्यों गया भाई? दूसरी बार लड़ाई नहीं करनी तेरे से मेरे को। पर मेरा प्लान काम करा, उस TNT ने इसका मतलब बहुत डैमेज करा, क्योंकि मैंने सॉर्ड से ज्यादा फाइट करी नहीं। लड़ना चाहता मैं तेरे से ड्रामे। रन, वो आ ही नहीं पाएगा यहां तक तो वैसे। ओ या, वो ये कर सकता है, पर मेरा सामान भी गिर गया। नहीं, यहीं पे है, सोलर बीम छोड़ता है वो। इट डजंट मैटर भाई, मैं तो उसे हरा चुका हूँ ऑनेस्टली, ठीक है, मैं उसे हरा चुका हूँ, हमने कर दिखाया। इट डजंट मैटर कैसे हराया, बट हराया, वो चीज मैटर करती है। मैं वूल पे आ रहा था, उसे कैसे पता मैं यहाँ पे हूँ? ओह वाओ, अगर मैं उसे यहीं फंसा के मारूं तो? कुछ नहीं कर रहा वो, लेट्स गो। हां, बेस्टी। ओ ओ नहीं, लावा मत फेंकियो बस। मेरे पास एक आइडिया है। मैं एक्चुअली यहाँ पे ये बनाने वाला हूँ। सामान दे, ओ गॉड। मैं तो सामान मांगने गया था भाई। यार फक ऑफ ना, बहुत अनोइंग है तू, तुझे पता है बहुत अनोइंग है तू, फक यू। Yay! खत्म बालक। Not बालक by the way, बहुत insane damage कर रहा था वो। मेरी leggings वगैरह भी खो गई भाई। पर ए, warden को हराना था, मेरे को अपने तरीके से हराना था, मैंने वैसे ही हराया है। हालांकि response लिए मैंने बहुत सारे, पर it's okay, वो warden है, इतना चलता है। Like ये भी strategy के हिस्से में आता है, अगर तुम्हारा survival world है, तुम कैसे अपना respawn point set कर रहे हो। हार्ड कोर में अगर हराने का सोचें वार्डन को, तो कितना प्रिपेयर होना पड़ेगा तुम्हें। लाइक तुम्हें एकदम परफेक्ट आर्मर और परफेक्ट एन्चेंटमेंट्स चाहिए, और उसमें भी डर रहेगा कि वो वन शॉट ना मार दे।
लाइक उसमें पता है हार्डकोर में ऐसा सीन है, अब जैसे मैं इसे मारने लग रहा था और ये बस खड़ा हुआ था, तो ऐसी काइंड ऑफ सिचुएशन चाहिए तुम्हें। और अगर वो श्रीक यूज करने वाला है अपनी, तो तुम्हें ऐसा कुछ चाहिए जो तुम, ताकि तुम उससे बच सको उसकी श्रीक से। दैट्स इट, तुम्हें एक रूम सा बनाना पड़ेगा और ऐसे फंसाना पड़ेगा उसे, जैसे ही वो श्रीक यूज कर रहा है मे बी एलाइट्रा यूज करके थोड़ा सा इधर उधर भाग जाओ, एंड देन वापस आके फिर उसे फंसा के मारते रहो बस, जब तक वो मर नहीं जाता। लाइक ऐसा कोई प्लान करना पड़ेगा तुम्हें। दैट्स इट, वी आर डन, यही करने आए थे हम। वो बल्कि मुझे लग रहा है कि ये वाला वार्डन ज्यादा जल्दी मर गया, और उस पर तो मैंने वीकनेस का वो यूज किया था, फिर भी वो मरा नहीं इतनी जल्दी। आई थिंक क्योंकि मैं उस पर बो से यूज कर रहा था, क्या लाइक मैं उस पर बो मार रहा था, तो मे बी इसीलिए शार्पनेस 5 ज्यादा अच्छी तरह काम करती है। मैं इतनी बार मरा कि मेरे यहाँ पे वो फेंके हुए डब्बे भी गायब हो गए। बढ़िया। ओ यार, मेरे पास मेरी पिकैक्स नहीं है। वेट, मैंने अपनी पिकैक्स उठाई नहीं, आई थिंक वो यहीं पे ही गिरी होगी कहीं ना कहीं। पिकैक्स, हेलो, डोंट टेल मी यार गायब हो गई वो। आई थिंक पिकैक्स मेरी लावा में गिर गई या फिर डिस्पॉन हो गई, क्योंकि दिख नहीं रही है। इट्स ओके, आई मीन मेरे पास अलाइट्रा है तो स्ट्रेट जाने में इतनी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए हमें। दैट्स इट, हमें बिल्कुल स्ट्रेट उड़ना है। लेट्स डू इट। अरे इजी ब्रो, एलाइट्रा जिंदाबाद मेरे भाई। ओ शिट, मेरे को डैमेज कैसे नहीं हुआ? मैं बच कैसे गया? लो भाई, मर गया तुम्हारा वार्डन। पता है वार्डन मारने के बहुत सारे तरीके होंगे, लाइक ऐसा इजी इजी तरीके होंगे ना, वो ऐसे ही मर जाएगा पता है। पर मेरे को खुशी इस बात की हो रही है कि मैंने अपना तरीका यूज किया, जो मेरे माइंड में प्लान था TNT वगैरह लगा के, एंड देन यू नो अपने हिसाब से लड़ाऊं मैं, चाहे कितनी बार भी मरना पड़े, पर अपने हिसाब से मार के खुशी अलग मिलती है। एंड दैट्स इट, इसी के साथ इस वर्ल्ड को गुड बाय बोलने का टाइम आ गया परमानेंटली। ये जो मैंने ये फार्म्स बनाए बहुत यूज आए भाई, ये जो आयरन इतना सारा पड़ा है ना, बहुत हेल्प करी इसने। लाइक ये दो फार्म तो बहुत इंपॉर्टेंट थे मेरे लिए सारी एडवांसमेंट्स करने के लिए, क्योंकि गन पाउडर से बनता था रॉकेट, एंड आयरन को मैंने यूज किया एमरल्ड ट्रेड करने के लिए, और यू नो हाँ बस एमरल्ड ट्रेड करने के लिए ही, मैंने और किसी चीज के लिए यूज ही नहीं करा आयरन को। चलो भाई, मैं एक काम कर सकता हूँ, इनको खुला कर देता हूँ भाई। ये बताओ, ये बंदे इतने टाइम से बैठे ही हुए हैं, हमारा सेन्यो रीटा बताओ, गूगलू, तो ये कौन है फिर? अच्छा गुलगुली। सारी कैट्स, तुम लोग आजाद हो फाइनली। ओए उधर मत चढ़ पागल, मर जाएगी। रुद्र भी आजाद है फाइनली, तेरे को तो खाना ही नहीं दिया इतने टाइम से मैंने। ये मैं एंगल इतना पढ़ चुका हूँ कि ये एंजल की स्पेलिंग इतनी गलत लग रही है मुझे। तू कौन है, तेरा नाम ही नहीं है। ले भाई खुश रह। कैसे टेलीपोर्ट हो रहे हैं सारे एनिमल्स मेरे। ओ अच्छा, क्योंकि मेरे पास, मैं वही कह रहा हूँ, रुद्र मेरे को फॉलो क्यों करने लग गया अचानक से, मगर ये करता तो नहीं था क्योंकि मेरे पास कैरेट है। ले भाई खुश रह, तू भी क्या याद करेगा। और इसी एपिसोड के साथ हमारा फाइनली माइनक्राफ्ट सीजन 2 एंड हो रहा है भाई। हमने सारी एडवांसमेंट्स कंप्लीट कर दी जो कि हमारा मेन टास्क था, एंड मैं वार्डन को हमेशा से हराना चाहता था, मैंने वो भी कर दिया। वी आर डन। आई डोंट थिंक हमें इस सीरीज में कुछ और करना है। आई मीन ऑब्वियसली माइनक्राफ्ट इन्फिनाइट गेम है, मैं कुछ भी बिल्ड कर सकता हूँ, बट यू नो आई एम डन विद दिस सर्वाइवल वर्ल्ड, क्योंकि मैं यहाँ पे इतना घूम चुका हूँ, मैं सब कुछ कर चुका हूँ, इसमें कुछ लाइक कुछ ट्राई करने के लिए है नहीं। मैंने अपनी पूरी क्रिएटिविटी लगा के ये सब बनाया हुआ है, एंड आई थिंक दैट्स इनफ। अब थक चुका हूँ इस वर्ल्ड से। आई थिंक अब मेरे को हार्डकोर पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हार्डकोर, जब से मैंने हार्डकोर खेलना चालू किया है ना, वैसे भी सर्वाइवल वर्ल्ड इतना फन रहा नहीं है, क्योंकि हार्डकोर में वो थ्रिल है, वो एक्साइटमेंट है दोबारा, लेकिन अब सर्वाइवल वर्ल्ड में बस मैंने एडवांसमेंट कंप्लीट करने का मन था मेरा, वो मैंने कर लिया। आई मीन या इसमें एडवांसमेंट्स नई नई आती रहती हैं। वेल अभी के लिए तो फिलहाल जितनी भी ऑफिशियल एडवांसमेंट्स है वो हमने कंप्लीट कर दी। एक हाउ डिड वी गेट हियर है, वो हम कभी लाइव स्ट्रीम में ट्राई करेंगे उसे करने का, वो बहुत टीडियस और कॉम्प्लिकेटेड है। एंड इसी के साथ दैट्स इट, होप यू गाइस एंजॉयड। मजा आया मुझे तो भाई एडवांसमेंट्स करने में। एक्चुअली एडवांसमेंट्स का फायदा ये था ना कि मेरे को सारी नई चीजें जो माइनक्राफ्ट वालों ने डाली है वो देखने का मौका मिला, मेरे को सारी जगहों पे जाने का मौका मिला। लाइक ट्रिम्स कलेक्ट करने के लिए मैंने एंशियंट सिटी भी लूटी, मैंने नेदर फोर्ट्रेस भी गया, मैं एंड सिटी भी गया, तो यह बहुत सारे एक्सपीरियंस नए नए लेने को लाइक मौका मिला इन एडवांसमेंट्स के बहाने से। वो ये देखो कैसे मेरे एनिमल्स कैसे स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, मेरे को देख रहे हैं उड़ते हुए। सॉरी तुम लोगों के पास ऐसी एबिलिटी नहीं है, मजा आ रहा है तुम्हें देखने में। सारे कैसे लाइन से बैठे हुए हैं भाई। आई एम नॉट श्योर बट
आई थिंक मैं एक लिंक छोड़ सकता हूँ तुम्हारे लिए डिस्क्रिप्शन में इस वर्ल्ड का, अगर तुम लोगों को ये वर्ल्ड खेलना है तो। बना बनाया मैंने माइनक्राफ्ट सीजन 1 में जब उसकी एंडिंग हुई थी तो मैंने तुम्हें सीड प्रोवाइड करा था। उस टाइम मुझे पता नहीं था कि सीड से सिर्फ ये वर्ल्ड आता है, लाइक मेरी ये डेकोरेशन वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन अभी मैं तुम्हें एक प्रॉपर वर्ल्ड लिंक प्रोवाइड करूंगा जहाँ पे तुम लाइक लिटरली जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पे खड़े हो सकते हो एंड एंजॉय कर सकते हो इस वर्ल्ड को, तो अगर तुम्हें करना है तो। सो या गो अहेड एंड डेफिनेटली ड्रॉप अ लाइक अगर तुम्हें ये सीजन देखने में मजा आया है तो। बाकी इसी के साथ ये सीजन खत्म एंड वी आर डन विद द सर्वाइवर वर्ल्ड। अब फोकस करते हैं हार्डकोर पे। गुड बाय।